आईपीएल में फ्रेंचाइजो अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी चुनती है। नीलामी में वह पूरी तरह से प्लानिंग की जाती है, उन्हें किस खिलाड़ी के पीछे भागने और किसके पीछे नहीं। आईपीएल 2023 की नीलामी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, टीमों ने अपने हिसाब से खिलाड़ी चुने थे। चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस ने हालिया जिन खिलाड़ियों के लिए अपनी तिजोरी खोली, उनके हिसाब से ज्यादा रकम उन्होंने उस मैच में टीम को निराश किया। मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन के लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे और सोचा था कि यह ऑलराउंडर अपनी तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ धारदार गेंदबाजी उनके लिए उपयोगी होगी। कैमरून ग्रीन हरा की पहले मैच में फेल रहे। उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ, महज 5 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में असफल रहे, उन्होंने 2 ओवर में 30 रन खर्च किए, सिर्फ 1 विकेट लिया। इस मैच में मुंबई को मिली हार। सनराइजर हैदराबाद ने इंग्लैंड के हैरी ब्रुक को 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनको शामिल कर टीम में भरोसा था कि उसकी बल्लेबाजी मजबूती होगी। पहले मैच में ब्रुक कुछ कमाल नहीं कर पाए। अपने आईपीएल के डेब्यू में बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के खिलाफ सिर्फ 13 रन बना सके, इसलिए उन्होंने 21 रन का सामना किया। हैदराबाद की टीम जीत हासिल नहीं कर सकी। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लैंड के बेन स्टोक को खरीदा था। इस खिलाड़ी के लिए 4 बार की विजेता ने 16.25 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पहले मैच में बेन स्टोक का बल्ला नहीं चला। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए, वह राशिद खान का शिकार बने हैं। बेन स्टोक पूरे सीजन में गेंदबाजी नहीं करेंगे, चेन्नई के लिए बड़ा झटका। इस मैच में गुजरात को जीत हासिल हुई। सैम करन आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्होंने पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। सैम करन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 17 गेंद में 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने मैच कोलकाता के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल का विकेट भी लिया। कोलकाता के खिलाफ 3 ओवरों में 38 रन देकर 1 विकेट लिया। पंजाब ने कोलकाता को हरा दिया।